उस प्रकार के देवत्व का प्राप्त किया जाए, उस प्रकार के जीवन चिंतन को प्राप्त किया जाए जहां केवल सुनकर के नहीं जाए बदल करके जाए। क्योंकि तो इस धरती पर तो संत भी आते हैं, महात्मा भी आते हैं, उच्च कोटि के योगी भी आते हैं, यति भी आते हैं, सन्यासी भी आते हैं, और नंद में कृष्ण भगवान स्वयं बैठे हुए हैं। उन्होंने भी जीवन में संघर्ष किया, युद्ध किया, और युद्ध के बाद उन्होंने शांति स्थापित की। उन्होंने कहा कि युद्ध जीवन का संपूर्णता नहीं है, कृष्ण ने भी कहा महाभारत युद्ध की संपूर्णता नहीं की जा सकती। महाभारत के बाद में सैकड़ों वर्षों तक जो शांति रही वो कृष्ण की देन है। राम के बाद में सैकड़ों वर्षों तक शांति रही वह उनका त्याग है। उस त्याग और उस शांति को घर घर तक पहुंचाने के लिए, एक एक व्यक्ति के जीवन में स्थापित करने के लिए जो आपके सामने बैठे हुए हैं, या केवल एक गांव के या एक प्रांत के नहीं है, पूरे भारतवर्ष से आए हुए हैं। एक तरह से पूरा भारतवर्ष मेरे सामने बैठा हुआ है, मैं आवाज देता हूँ, पूरा भारतवर्ष बातों सुनता है। और मैं जब उनको कहता हूँ कि केवल सुन करके पल्ला झाड़ करके जागृत जीवन नहीं चलेगा, तो मैं खुद को अपने आप को दिया जलाना पड़ेगा। खुद ने कहा आपको दीपो भगवान, स्वयं दीपक बन जाओ। सूर्य आज है तो अंधकार में भी आ सकता है, उसके ऊपर बादल छा सकते हैं, उस समय तक सूर्य चल सकता है, मगर यदि आप खुद दीपक है तो फिर अंधेरा नहीं आ सकता, फिर अशांति नहीं आ सकती, फिर हिंसा नहीं आ सकती। मैं आप सभी को दीपक बनने के लिए प्रेरित कर रहा हूं, हर बार आपको दीपक बनने की कोशिश करता हूं। जब सूर्य अस्त होने लगा तो मैंने बड़ा विचलित हुआ कि अस्त हो रहा हूं, पूरा विश्व अंधकार से ढक जाएगा, क्या होगा। तब एक छोटे से दीपक ने खड़े होकर कहा कि आप चिंता नहीं करें, जब तक आप वापस उदय नहीं हो जाएंगे तब तक अपनी भरपूर कोशिश से मैं इस अंधकार को दूर करने की कोशिश करता रहूंगा। और आप सभी दीपक हैं और मैं आप सबका निर्माण सूर्य की तरह बनाना चाहता हूं कि अंधेरा बने ही नहीं। आपने बहुत कुर्बानियां दी हैं, आज नहीं पिछले कई हजार वर्षों से, जिनके बेटे दीवारों में चुन दिए गए, बाप खड़ा खड़ा देखता रहा, उस कुर्बानी को भी इस पंजाब ने देखा है। युद्ध किया है मुगलों से और झुका नहीं है, वो भी इस देश से इस प्रांत में देखा है। आतंकवाद से भी लड़ा है, सीना ठोक करके लड़ा है, खड़ा रहा है। वो जितनी कुर्बानियां पंजाब ने दी है पूरे भारतवर्ष में मिलकर के भी नहीं दिए हैं। फिर उसने घुटने नहीं देखे, फिर वो बिगड़ा नहीं, उनके सामने झुका नहीं, लड़के सामना किया। उसने कहा कि ये यथा माम प्रभुस्ते आप खड़े रहे वीरता के साथ में, अगर जो गोली मृत्यु लिखी हुई है तो कहीं पर भी आप चुप कर बैठ जाएंगे तभी मृत्यु आ जाएगी, और लिखी हुई नहीं है तो आप गोलियों के बीच में खड़े होंगे तभी मृत्यु आप नुकसान कर ही नहीं सकती। निर्णय बनना जीवन का आवश्यक है। राम ने इसी बात को समझाया था, कृष्ण महाभारत के बीच में खड़े होकर इसी संदेश गीता के माध्यम से दिया है कि भाषा से जीर नाम ये था नवानी गण नाम दो प्राणी, ये शरीर से फटा हुआ वस्त्र है, आज हम उतार लेंगे, नवीन वस्त्र वापस धारण कर लेंगे, फटे हुए वस्त्र पहन करके जीवित रहने से अर्थ नहीं होगा, गंदे विचारों से और हिंसा से भरा हुआ शरीर लेकर के जीवित रहना जीवन नहीं कहलाता। ऐसा तो प्रत्येक पशु करता है, एक पशु दूसरे से लड़ता ही रहता है, वह पशु स्वभाव है। इस यज्ञ के माध्यम से और चार दिनों तक इस साधनाओं के माध्यम से मैं उस पशुत्व से मनुष्यता की ओर अग्रसर करने का प्रयत्न करता हूं। यही नहीं, भारतवर्ष के प्रत्येक प्रांत में गया हूं और संसार का कोई देश शायद नहीं बचा है जहां पर नहीं गया हूं। उन देशों में भी चाहे वे मुसलमान धर्म मानते हैं, और उन्होंने कहा कि हम तो किसी और न धर्म को मानते हैं न इस कार्य को करने देते हैं। मैंने कहा कि मैं धर्म से कोई मेरा संबंध है ही नहीं, मैं तो मनुष्य से संबंध है, मानव से संबंध है, आप मानव हैं इस बात को स्वीकार करता हूं, और मुझे यहाँ आगे भी करना है, मुझे यहाँ अपनी बात कहनी है, और मैं अपनी बात कही है वीरता के साथ, हिम्मत के साथ, साहस के साथ। और जिस पंजाब आग से धूम करके जल रहा था तब भी मैं अमृतसर की गलियों में घूम रहा था, उस समय भी घूम रहा था, उस समय मुझे इस बात की चिंता नहीं थी क्योंकि मुझे चिंता रही नहीं।
जब साहब बिल्कुल सही कहा कि सरदार बेन सिंह जी ने, गिल साहब ने और यहाँ के लोगों ने वीरतापूर्व सामना किया है दृढ़ता के साथ, हिम्मत के साथ, और सिद्ध कर दिया है कि हिम्मत और साहस के साथ वापस युद्ध की जगह, आतंक की जगह शांति लाई जा सकती है, उन्होंने सिद्ध किया है। ये छोटी बात नहीं है, और समय में भी जब सारा देश घबरा रहा था, चिंतित हो रहा था, क्या होगा, कैसे होगा, इसका अंत कहां आएगा, जो हम युद्ध देख रहे हैं कश्मीर में, जम्मू में, उससे कई सौ गुना ज्यादा युद्ध और वैनुष्य का हम यहां देख चुके हैं, इस धरती पर देख चुके हैं, जहां पर कृष्ण पैदा हुए, जहां पर राम पैदा हुए, जहां पर चैतन्य पैदा हुए, जहां पर वेदों की रचना हुई, जहां पर उपनिषदों की रचना हुई, जहां आर्य सभ्यता में पहले पहले आम खोली, जहां उन्होंने ऋग्वेद की रचना की, यजुर्वेद की रचना की, सामवेद की रचना की, जहां की नदियां अपने आप में पवित्र पूजनीय मानी जाती हैं, और जहां उस धर्म को हमने स्थापन करने की कोशिश की जहां सब धर्म उसमें समाहित हो सकते हैं, समुद्र में खारा पानी भी आए, मीठा पानी भी आए, नाला भी आए, समुद्र सबको बचाता है, हमने सबको बचाने की कोशिश की है, हमने किसी के प्रति को द्वेष नहीं रखा है, हम द्वेष उससे रखते हैं जिसके मन में हिंसा है, क्रोध है, छल है, झूठ है, कपट है, पीठ और छुरा भोंकने की प्रवृत्ति है, और ये कहने से ये प्रवृत्ति नहीं मिट सकती। अखबारों के माध्यम से प्रयत्न कर रहे पत्रकार, मगर जब तक मन ही नहीं बदलेगा, जब तक आप में क्षमता नहीं आ पाएगी, तब तक इस प्रकार की चीज नहीं बन सकती, ये शब्दों के माध्यम से नहीं बन सकती, अगर शब्दों के माध्यम से बनती तो फिर बुद्ध असफल नहीं होते, फिर महावीर असफल नहीं होते, फिर चैतन्य असफल नहीं होते, फिर कभी और असफल नहीं होते, फिर मेरा असफल नहीं होती, उन्होंने तो एक ही बात कही कि जीवन में एक शांति प्राप्त करनी चाहिए, मन में एक सुकून प्राप्त होना चाहिए, जीवन में एक पशुत्व से ऊपर उठ के मानव बने, मानव से ऊपर उठ के महापुरुष बने, महापुरुष से ऊपर उठ के देवत्व बने, और वरदान के माध्यम से हो सकता है, दया के माध्यम से हो सकता है, करुणा के माध्यम से हो सकता है, और ये भाव बाजार में नहीं मिलते, करुणा बाजार में नहीं खरीदी जा सकती, दया को हम पैसे देकर नहीं खरीद सकते, दान को देने के लिए किसी स्कूल में शिक्षा नहीं दी जाती, दान तो देना हमारे जीवन का धर्म, हमारे जीवन का आधार है, जिसके माध्यम से एक अच्छे विश्व का निर्माण हो सके, मंदिर बन सके, जहां पर पापी से पापी आदमी जाएगा तो क्षण के लिए भी उसकी आंख झुकेगी ही, क्रोध भी पैदा होगा, और मैंने सुना है कि लुधियाना और उसके आसपास का क्षेत्र दान के लिए अत्यंत पूरे पंजाब में महत्वपूर्ण माना गया है, जो इस बात की चिंता नहीं करता कि शाम को मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा, राय में आते देते हैं तो भाई यहाँ तो पता ही नहीं पड़ता कि मैंने दिया है या नहीं दिया, राजी जो मैं बोलने के लिए कहा तो उन्होंने कहा कि मैं क्या बोलूंगा ठाकुर जी अपने आप बोल ही रहे हैं, सर भी उनसे बात की तो उन्होंने कहा ऐसा ही है, ये सब धरती का सौभाग्य है, क्यों सौभाग्य है कि यहाँ पर ऐसी तपस्याएं हुई है, वो तपस्या समाप्त नहीं हुई राज्यों के मन, क्योंकि यहाँ पर ऐसे वेद रचे गए हैं, यहाँ इस पंजाब में इस आर्यों ने पूरे भारतवर्ष को आर्य सभ्यता दी, संस्कृति दी, ज्ञान दिया, चेतना दी, प्रभुत्वता दी, प्रेम दिया, करुणा दी, मत दिया, स्नेह दिया, पंजाब ने दिया, और पंजाब ने हिंसा भी बताई, और ये बताया कि हिंसा के सामने भी दम ठोक खड़े हो सकते हैं, गोलियों को सीने पर झेलने के लिए भी खड़े रहे, उनके पत्नी थी, उनके बेटे थे, युद्ध कोई नहीं चाहता, मगर जहां मन बदल जाएगा वहां हिंसा पैदा होगी, जहां क्रोध पैदा होगा, हमें केवल उपदेश देने की अपेक्षा प्रैक्टिकल कार्य करें, जिससे कि यहाँ का वातावरण और पूरे देश का वातावरण अपने आप में परिवर्तित हो सके, और हो रहा है, जो आज से 5 साल पहले था वो आज नहीं है, बहुत परिवर्तन आ गया, जो 91 था वो 92 नहीं रहा, 92 था वो 94 नहीं रहा, जो 94 में जितनी हिंसा थी वो 95 तो नहीं रही, धीरे धीरे कश्मीर में भी पिछले 2 साल की अपेक्षा बहुत कम हिंसा का वातावरण बना है, यह उपदेशों शब्दों के माध्यम से नहीं, उन सैकड़ों साधकों के माध्यम से, उन योगियों के माध्यम से, उन संन्यासियों के माध्यम से, जो मंत्रों के माध्यम से, देवताओं की सहायता के माध्यम से उस शांति को स्थापित करने के लिए प्रयत्नशील है, ये पशुत्व की शिक्षा नहीं दे रहे, कोई हिंसा की शिक्षा नहीं दे रहे, मैं आपको और यहाँ की धरती को
कुछ लेने के लिए नहीं आया। पुलिस थे हमारे आ रही है इस प्रकार से जंगल में अकेले जाकर नहीं बैठ गए, समाज के बीच में बैठना है, समाज के बीच में उन लोगों से मिलना है, एहसास करना है कि मैं भी आपको जैसा ही हूं, मैं आपसे अलग हटकर के नहीं हूं, मैं अपने आप को पुजवाने के लिए नहीं आया हूं, मैं अपने आप में कोई फूलों की माला पहनने के लिए नहीं आया, मैं टीम को विषय आ भी नहीं। वास्तव में ये चार दिन पंजाब के गौरवशाली दिन होंगे, इसलिए गौरवशाली दिन होंगे कि यहाँ सारा कार्य प्रैक्टिकल रूप में होगा, उन मंत्रों के माध्यम से, चेतना के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से दिन भर आपको देखेंगे कि ये साधक उन कार्यों में प्रवृत्त हैं जो प्रैक्टिकल है। मैं कहूँ तुम समुद्र में जाओ, कूदो, तैर जाओ, तुम नहीं कहना सीख सकते, तुम 100 ग्रंथ पढ़ करके भी 100 प्रश्न सुन करके भी नदी में तैरना सीख नहीं सकते, संभव नहीं है। तैरने के लिए तो मुझे आपके बीच में खड़ा होना पड़ेगा नदी में, और आपको तैरना सीखना पड़ेगा, प्रैक्टिकल होना पड़ेगा, और प्रैक्टिकल होने से ही आदमी तैरना सीख सकता है, उस समुद्र को भी पार कर सकता है, उस नदी को भी पार कर सकता है, उस बाढ़ की विभीषिका को भी पार कर सकता है। उपदेश की अपेक्षा मैं प्रैक्टिकल सिखाने के लिए पूरे भारतवर्ष में घूमता हूँ, प्रत्येक स्थान चाहे दक्षिण का हो, चाहे उत्तर का हो, चाहे पश्चिम का हो, चाहे पूर्व हो, चाहे कन्याकुमारी हो, चाहे काश्मीर हो, उन सारे स्थानों पर हजारों यज्ञ किए हैं, हजारों साधना शिविर लगाए हैं, सैकड़ों में आचार्यों ने जिन ग्रंथों को नष्ट कर दिया, बर्बाद कर दिया, कुछ कुछ ग्रंथ समाप्त हो गए, उनको वापस पुनर्जीवित करना, आर्य सभ्यता वापस स्थापन करना, मनुष्य को बदलना, नए मनुष्य का निर्माण करना और पूरी में शांति और सद्भावना पैदा करना जीवन का ही लक्ष्य, जीवन का ही उद्देश्य है। जो प्रारंभ से अपना लिया और फिर जीवन का बहुत अंत शाम को खड़ा पूरा जीवन जिसमें होंगे, पूरी जवानी जिसमें लगा दी, इस बात की चिंता नहीं की कि पत्नी कहाँ है, पुत्र कहाँ है, पूरे हिमालय में ठान डाला, हिमालय का कोई कोना छोड़ा नहीं, सर भारत सरकार को इतना हिमालय के बारे में ज्ञान नहीं होगा जितना मैंने हिमालय के एक ही कमरा को एक बच्चे को देखा। उन्नीस साल तक संन्यास जीवन में रहा हूँ और गृह जीवन में भी रहा है, और दोनों जीवन को साथ साथ चलाना बहुत कठिन होता है, मगर गृह के बीच में गृह बंद करके समझा सकता हूँ आप लोगों को, आपकी समस्याओं को, आपके दुख को, आपके लेने को, आपके कष्ट को, आपके अभाव को, आपका पीड़ा को, इसलिए मैं आपको उन प्रमुख पात्र में भेजना चाहता जो पोंगा पंछी हूँ, जिनको ज्ञान है। मैं बता रहा हूँ आपको, मेरे बेटा आए, मैं खुद बताने आया हूँ कि आप राक्षस के बने, देवत्व बने, खुद आप में वेचक्र का निर्माण हो सके, जहाँ पशु के स्वरूप रूप सके, मानुष बन सके, और सैकड़ों हजारों साधक पूरे विश्व में घूम रहे हैं इसमें, और केवल एक ही कार्य का लक्ष्य, जहाँ बुद्ध ने मृत्यु में कहा कि उन शिष्यों ने कहा कि आपने जीवन में अहिंसा को ठान दिया, हमारे लिए क्या आ गया, तो बुद्ध ने केवल अंतिम में एक ही लाइन बोली, अब दीपो भगवान, खुद अपने आप में दीपक प्रज्वलित करो, उस रोज की आगे बढ़ते रहो, अपने आप पूरे विश्व में तुम्हारी रोशनी फैल सके। और सैकड़ों विकसित चीन, जापान और दूसरे देशों में गए और उस बौद्ध धर्म को फैला दिया। मैं भी आपको वही शिक्षा दे रहा हूँ, आप पति को हुआ तुम्हारी शुभ बुद्धि को प्रज्वलित हो, रोशन पैदा हो, बाहर कर देने की अपेक्षा अंदर में जो तुम्हारे दे रहा है, अज्ञान का, पशुत्व का, हिंसा का, झूठ का, छल का, कपट का, व्यभिचार का, वह अंधेरा दूर करके अंदर रोशनी पैदा हो सके, और उसके लिए केवल और केवल और केवल और केवल एक ही मात्र उपाय है, जिसको साधना कहते हैं, जिसको उपासना कहते हैं, जिसको मंत्रजाप कहते हैं, जिसको मेडिटेशन कहते हैं, जिसको ध्यान कहते हैं। आपके सामने जो साधक बैठे हैं, ये सभी साधक बहुत उच्च कोटि के विद्वानों से पंडितों से भी ज्यादा ज्ञानवान है, मैं आपको इस बात को स्पष्ट कर रहा हूँ, उन्हें ज्ञान क्या है, उनको ज्ञान में देवता को किस तरह से आह्वान किया जाता है, उनको ज्ञान है कि मेडिटेशन क्या होता है, उनको ज्ञान है ध्यान से थॉटलेस माइंड कैसे बनाया जा सकता है। जैसे गुरु पूर्णिमा हमारे भारत की परंपरा रही है कि जहां भी गुरु हो वहां पर शिष्य।
परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम रीम मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रय रीम ओम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवि तुर वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।